वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस से उसका मोल निकालना सीखेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस से उसका मोल, लेट से अपने पास एक सिस्टम है, इसका वॉल्यूम है V, इसका टेम्परेचर और प्रेशर STP है। क्या है टेम्परेचर और प्रेशर? STP मतलब P इज इक्वल टू 180 m एंड T इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैथ से निकाला था, उसी मैथ का यूज करके हम लोग इसका फॉर्मूला पता करेंगे। लेट से इसके अंदर n मोल है, ठीक। अब देखो ये गैस है एक, तो किसी भी गैस के लिए एक बात ट्रू है। क्या ट्रू है? इट इज ऑलवेज टू दैट एट STP 22.4 लीटर विल हैव वन मोल। देखो 22.4 लीटर विल हैव वन मोल इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 180 m एंड 273 केल्विन, ठीक है ना। सो एट STP V लीटर के अंदर कितना मोल होगा? 22.4 में तो वन मोल है, तो V लीटर में कितना मोल होगा? बहुत सिंपल है, मैथ्स लगाना है। क्या हो जाएगा? 1 बाय 22.4 इंटू V मोल्स। तो सिंपल है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल? मोल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, द वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। देखो ये V था ना, तो V गिवन बाय 22.4 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ये याद रखिएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। नाउ दिस वॉल्यूम किस स्टेट में होना चाहिए गैस? दिस वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड एट STP, वॉल्यूम गिवन एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये किसी और टेम्परेचर प्रेशर का वॉल्यूम होता है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। दिस वॉल्यूम शुड बी वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP एंड नॉट वॉल्यूम एट एनी अदर कंडीशन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, लेट से अपने पास एक सिस्टम है, इसका वॉल्यूम बोला है 5.6 लीटर, प्रेशर देखो क्या दिया है, पी दिया हुआ है 280 m, टी दिया हुआ है 273 केल्विन, इसका मोल मांगा है। अब यहां पर आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली इफ प्रेशर इज 180 m, बट यहाँ प्रेशर 280 m है, तो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हम लोग इस गैस को 180 m पे ट्रांसफर करेंगे। नाउ 280 m से 180 m पे ट्रांसफर होगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो फाइनल वॉल्यूम यहां पर कुछ और आएगा, 5.6 नहीं होगा। तो यहां से यहां टेम्परेचर तो सेम रह गया 273 केल्विन, टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर तो बढ़िया है 273 केल्विन तो चाहिए हम लोगों को, प्रेशर को चेंज करेंगे। फाइनल प्रेशर कितना अपना करना है? 180 m, सो P2 T2। तो जब यहां से यहां गया तो V2 क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? P1 V1 equal to P2 V2, क्यों? टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, ये P1 मान लेते हैं, ये T1 मान लेते हैं, तो क्या अप्लाई हो रहा है? P1 V1 equals to P2 V2 implies that V2 is equal to P1 V1 by P2। अब प्लेस कीजिए,
P1 कितना 2, ये कितना 5.6, P2 कितना 1, so this is 11.2 लीटर। तो हम लोग का फाइनल वॉल्यूम आया 11.2 लीटर। नाउ ये वॉल्यूम कब है, इतना और इतना पे, ना दिस कंडीशन इज एसटीपी कंडीशन। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। सो ना यूजिंग दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स विल बी वॉल्यूम एट एसटीपी। तो एसटीपी का वॉल्यूम क्या निकाले, 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। इसको सॉल्व कीजिए, आएगा हाफ मोल। सो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, वॉल्यूम एसटीपी में होना चाहिए। लेट्स से वॉल्यूम एसटीपी में नहीं दिया है जैसा इस केस में, तो उसको हम लोग एसटीपी में कन्वर्ट करेंगे और फिर पता करेंगे कि एसटीपी में वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, प्रोवाइडेड आवर गैस इज एट एसटीपी, अदरवाइज नहीं। कन्वर्ट कीजिए फिर अप्लाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।